गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मुनीलाल सर वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेसन ऑफ योर इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट टाइटल्ड The Hundred Dresses Part 1। Dear students, यह बहुत ही interesting story है और आप इसको पूरा देखेंगे तभी यह story समझ में आएगा, यानी जो भी पार्ट में वीडियो के रूप में अपलोड करूंगा आप उसे पूरा देखेंगे तो ही आपको यह स्टोरी समझ में आएगी। ऐसे मैं संक्षेप में बता दूं, यह स्टोरी है वांडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक लड़की है, ठीक है, वांडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक लड़की है, उसी की यह कहानी है द हंड्रेड ड्रेसेस। इसमें दिखाया गया है कि यह जो लड़की है वांडा पेट्रॉन्स्की, किस तरह से इसके साथ स्कूल में भेदभाव होता है, सारी लड़कियां इसका मजाक उड़ाती हैं और उसकी वजह सिर्फ यह है कि यह अमेरिकन नहीं है, ओरिजिनली ये अमेरिकन गर्ल नहीं है, यह पॉलिश गर्ल है, अर्थात इनके जो एंसेस्टर्स थे पोलैंड से आकर के अमेरिका में बस गए थे, ठीक है, तो ये पॉलिश गर्ल है, इसलिए इनका नाम भी कुछ अलग सा है। आप देख रहे हैं इनका टाइटल है पेट्रॉन्स्की, ठीक है, तो इनका लहजा जो है बोलने का थोड़ा सा अलग है और चूंकि ये गरीब परिवार से है तो ड्रेस भी इनका ऐसा है जो लगता है कि ये गरीब है, उसकी गरीबी झलकती है ड्रेस से, ठीक है, तो इतना तंग आ जाती है यह स्कूल की लड़कियों से कि फाइनली इनके पेरेंट्स जो है वह शहर छोड़ करके चले जाते हैं और इसका स्कूल भी छूट जाता है वांडा पेट्रॉन्स्की का। और बाद में जो रिजल्ट आता है, एक इसके पहले एक ड्रेस कंपटीशन होता है, यानी ड्राइंग का कंपटीशन होता है स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों का, तो वांडा पेट्रॉन्स्की जो है उस कंपटीशन में फर्स्ट आती है, लेकिन तब तक वह स्कूल छोड़ चुकी होती है, ठीक है, और इसमें जो लड़की थी एक पेगी और मैडलिन, ठीक है, ये खास करके दो लड़कियां जो थी, बल्कि हम कहें तो पेगी जो है वह कुछ ज्यादा ही घमंडी लड़की थी और ज्यादा ही मजाक उड़ाती थी, यह खेल एक्चुअली उसी ने शुरू किया था, और यह मैडलिन जो है उसकी सहेली है पेगी की, ठीक है, तो बाद में जब पता चलता है कि उसमें इतना टैलेंट था तो खास करके पेगी को तो ज्यादा दुख नहीं होता है, ये मैडी को बड़ा दुख होता है और वह उनको सॉरी कहना चाहती है, लेटर भेजती है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद लेटर का जवाब आता है, ठीक है, और इसके बाद वह जो ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी वांडा पेट्रॉन्स्की, तो उसका रिजल्ट उसे मालूम हो जाता है, ठीक है, और कुछ जो ड्रेसेस उन्होंने 100 ड्रेसेस कुल मिला करके ड्राइंग की थी और सब के सब जो है वह डोनेट कर देती है अपने स्कूल में, पेगी को भी एक ड्रेस डोनेट करती है,
और एक ड्रेस का डिजाइन यानी कहें वह मेडलिन को भी डोनेट करती है पत्र के माध्यम से। तो ये कुल मिलाकर यही इसमें घटना है। तो एक एक लाइन एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ये जो कहानी है ना इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ ज्यादा मिलेंगे आपको, इसलिए एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। आप ध्यान से एक एक वर्ड को एक एक लाइन को सुनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां से स्टार्ट हो रहा है। टुडे टुडे मंडे वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब देखो आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रॉन्स्की अपने सीट पर नहीं है, यानी वह अब्सेंट है, आज स्कूल नहीं आई है वांडा पेट्रॉन्स्की। और दिन कौन सा है? मंडे है। बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर अब्सेंस। लेकिन कहता है उसकी अब्सेंस, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, को नोटिस नहीं किया किसी ने, यहां तक कि पेगी और मैडलिन ने भी उनकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जो कि इस फन को, इस मजाक को जिसने स्टार्ट किया था, यानी पेगी और मेडलिन ने ही इसके साथ हंसी मजाक आरंभ किया था। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पर वांडा जो है कहाँ बैठती थी? नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। ठीक है, लास्ट सीट के ठीक नेक्स्ट में, आगे में। ठीक है, यानी लास्ट बेंच पर वह एकदम कोने में जाकर के बैठती, जिसको कहा जाए अंतिम कोने में, और रूम नंबर 13 में बैठती, यानी उसका जो कमरा था, क्लास था, वह रूम 13 था। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। देख लो, वह रूम के ऐसे कोने में बैठती थी वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स से। राइटर बताते हैं कि वह रूम के ऐसे कोने में बैठती थी, ठीक है, वेयर द रफ बॉयज, जो जहां पर रफ बॉयज यानी जो शैतान लड़के होते हैं, बदमाश लड़के होते हैं, जहां बैठा करते हैं और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ हीट मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। अब देखो यह जो कोना था क्लास का कैसा होता था? द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्टफलिंग ऑफ फीट, जहां पैरों की सरसराहट खरखराहट अधिक होती थी, और मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और सबसे ज्यादा हंसी के ठहाके गूंजते थे जब कभी कुछ मजाक की बातें कही जाती थी, फनी थिंग जब कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस जगह का जो फर्श होता था वह काफी गंदा होता था, मड और डर्ट से भरा होता था। मड कीचड़ को कहते हैं, डर्ट गंदगी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब राइटर बताते हैं कि वांडा जो है इसलिए नहीं बैठती थी उस कोने में क्योंकि वह रफ और नॉइजी थी, यानी वह भी बदमाश थी, या पढ़ने में कमजोर थी, या शोर शराबा करने वाली थी। ऑन द कंट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि वह तो एकदम उलट थी, कंट्ररी इसके विपरीत। कैसी थी वह? शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत क्वाइट थी, क्वाइट मतलब शांत, ठीक है, बहुत शांत रहती थी,
एंड रेयरली, रेयरली मतलब शायद ही, ठीक है, मुश्किल से सेड एनीथिंग एट ऑल, यानी कहती थी एनीथिंग, कुछ भी एट ऑल मीन्स भी, यानी जरा भी वह कुछ भी मतलब बातचीत नहीं करती थी, शायद ही वह कभी कुछ बोलती थी, ये कहने का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कहता है किसी ने उसको जोर जोर से हंसते हुए नहीं सुना था, यानी कभी वह ठहाके लगाकर जोर से मतलब नहीं हंसती थी। कैसे हंसती थी? समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। जब कभी भी हंसने हंसाने की बात होती थी तो वह क्या करती थी, हल्का सा शी ट्विस्टेड हर माउथ, अपने मुंह को घुमा लेती थी, ट्विस्ट मतलब टेढ़ा करना या घुमाना, इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, ठीक है, और हल्की सी टेढ़ी सी मुस्कान, क्रूक्ड मीन्स ऐसे टेढ़ा होता है, यानी तिरछा या टेढ़ी मुस्कान जो है उसके चेहरे पर आया करती थी, यानी पूरी तरह से मुस्कुराती भी नहीं थी, पूरा ओपनली वह नहीं मुस्कुराती थी, बस दैट वाज ऑल, बस इतना ही था उसके उसके अंदर गुण, न तो बिल्कुल, वह जो है एकदम शांत स्वभाव की, कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं लेखक कि वह बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट्स एंड हर फीट वेयर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब लेखक बता रही हैं कि नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट, यानी एक्चुअली किसी को नहीं मालूम कि वांडा उस सीट पर ही क्यों बैठती थी। एक वजह सिर्फ पता चल सकता है, अंदाज लग सकता है, क्या, कि अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट्स, यानी जो उनका मकान था वह बॉगिंग्स हाइट्स पर था, यानी ऐसा इलाका है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, अच्छी सड़क नहीं थी, कीचड़ से युक्त थी, ठीक है, एंड हर फीट वेयर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड। देखो, क्योंकि कीचड़ वाली सड़क पर चलती थी तो आते आते जो मड था, कीचड़ जो होती थी, उनके पैरों में सूख जाया करती थी, ठीक है, तो पैर उनका कैसा होता था, केक्ड विथ ड्राई मड, ठीक है, केक केक मतलब केक की तरह, यानी जो चिपक जाता था उनके पैरों में कीचड़, तो कहा यहाँ पर उसके पैरों में कीचड़ लगे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार जब वह रूम के कोने में जाकर बैठ जाती थी ना, तो फिर कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता था वांडा पेट्रोंस्की का। तब द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यानी क्लास वाले कब उनका ख्याल करते थे, कब उनको वांडा याद आती थी, जब वह स्कूल से बाहर होती थी, स्कूल वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, कब होती थी स्कूल आवर्स में, जब एट नून टाइम, ठीक है, दोपहर के समय, व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल, ठीक है, जब सभी बच्चे वापस स्कूल आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या नहीं तो सुबह का समय जब स्कूल आरंभ होता था, स्टार्ट होता था, व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। अब देखो, उस समय यानी जो स्कूल में फ्री टाइम होता था, यानी लंच का टाइम या स्कूल सुबह सुबह जब बच्चे आ रहे होते थे,
उसी समय वांडा पर लोग वहां की लड़कियां कहो ध्यान देती थी और उनके साथ हंसी मजाक करती थी। ठीक है, टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे, किस पर? ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। ठीक है, स्कूल के प्रांगण में किस पर हंसी आती थी उन लोगों को? उनका जो वे था, वे मतलब तौर पर ये वे लड़कियां जो उनकी मजाक उड़ाने वाली लड़कियां थी, सभी अपने अपने अंदाज से उनका हंसी मजाक उड़ाती थी और बातें करती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी वे लोग वांडा का इंतजार भी करती थी, इसलिए कि उनके साथ मजाक किया जाए। ठीक है, टू हैव फन विथ हर। द नेक्स्ट डे, अब कहता है मंडे के बाद जो अगला दिन था ट्यूसडे था, वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर। अब मंडे को नहीं आया, ट्यूसडे को भी नहीं आई वो, मंडे को तो अब्सेंट थी, ट्यूसडे को भी नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, एक बार फिर से किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन अब तीसरा दिन हो गया बुधवार, पेगी एंड मेडी हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। देख लो किसने सबसे पहले ध्यान दिया, पेगी और मेडी ने, जो सामने बैठती थी फर्स्ट बेंच पर, जहां पर ऐसे बच्चे बैठा करते थे जिनके अच्छे अंक आते थे, और हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जिनका रास्ता जो है कीचड़ से युक्त नहीं था स्कूल आने का रास्ता, यानी ये अच्छे शहर में अच्छी जगह पर रहने वाले ये बच्चे थे, डिड नोटिस दैट, तो उन्हीं बच्चों ने यानी पेगी और मेडी ने देखा कि वांडा वहां नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। देखो एक्चुअली पेगी जो है स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी, सी वॉज प्रिटी, वह सुंदर थी, और सी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स, उनके कई सुंदर सुंदर कपड़े थे, एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके बाल जो करली थे घुंघराले थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी उसकी सबसे नजदीकी यानी सबसे घनिष्ठ सहेली थी उसकी। द रीजन पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज अब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब यहां पर सवाल उठता है, पेगी और मेडी को कैसे याद आया उनकी अनुपस्थिति का? तो राइटर बताते हैं अनुपस्थिति का याद इस तरह आया कि वांडा पेट्रॉन्स्की के चलते ही उन्हें लेट हो गया स्कूल आने में विलंब हो गया, उनको देर हो गई। क्या हुआ जो? देखो हुआ यूं, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर। देखो क्या हुआ कि वे वांडा का इंतजार करती रही इसलिए टू हैव सम फन विथ हर, कि उनके साथ कुछ मजाक किया जा सके। एंड सी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वांडा आई ही नहीं, और ये दोनों लड़कियां इंतजार करती रहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। देखो अक्सर ये दोनों लड़कियां पेगी और मेडी इंतजार करती रहती थी वांडा पेट्रॉन्स्की की, ताकि वह आए और हम दोनों उसका मजाक उड़ाएं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, आप इसको खुद कर लेंगे, ये कुछ खास नहीं है। जैसे है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई,
यहाँ पर पूछा गया कि वांडा जो है क्लासरूम में कहाँ बैठती है और क्यों बैठती है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही कि वांडा पैट्रॉन्स की, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, आप उसी तरह जवाब देंगे, वांडा पैट्रॉन्स की सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13 या रूम 13। व्हाई शी सीट्स देयर? बिकॉज हर फीट आर केक्ड विथ ड्राई मड, क्योंकि उनके पैरों में कीचड़ लगे होते। तो ये आप लिख सकते हैं, छोटा छोटा आंसर है। वेयर डज वांडा लिव? आपने पढ़ा था, वांडा लिव्स इन या एट बॉगिंस हाई। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज? कहता है आपके अनुसार यह कैसा प्लेस है? आई थिंक इट इज ए रिमोट प्लेस एंड द पैसेज और द वे वॉज और द रोड वॉज या इज फिल्ड विथ मड एंड डर्ट, और यू कैन से इट इज ए बैकवर्ड प्लेस, पिछड़ी हुई जगह थी। व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज अब्सेंस? कब देखा? व्हेन एंड व्हाई डू, कब और क्यों पेगी और मेडी ने नोटिस किया वांडा का अब्सेंस? तो आपको पता चला ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज अब्सेंस। व्हाई सी डिड और यू कैन से पेगी एंड मेडी डू सो? बिकॉज बोथ ऑफ देम वे आर वेटिंग फॉर वांडा। ठीक है, दोनों के दोनों वांडा का इंतजार कर रही थी। व्हाई? टू हैव फन विथ हर। ठीक है, सो वांडा वॉज नोटिस्ड और पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज अब्सेंस। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स? अब यहां पर कहता है आपके अनुसार इसका मतलब क्या हुआ? टू हैव फन विथ हर, इट मीन्स टू हैव फन विथ वांडा पैट्रॉन्स की, इसका ये मतलब हुआ कि वांडा पैट्रॉन्स की के साथ मजाक करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और इस लेसन का दूसरा लेक्चर मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग घर पर ये जो मैंने चार ओरल क्वेश्चन आपको बताए इनका आंसर लिखेंगे, इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन कराया उनकी मीनिंग को याद करें। और जाते जाते स्टूडेंट्स, आपको तीन काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विद दिस आई से ऑल ऑफ यू थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।